हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग डीएनए और लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग डील कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, तो डीएनए के फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हम लोग ने हाफ पोर्शन कम्प्लीट कर लिया था पिछली क्लास में और उसका आधा बचा हुआ पोर्शन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्या 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 पढ़ेंगे हम लोग? फंक्शन ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए का फंक्शन पढ़ेंगे। डीएनए का फंक्शन क्या होता है? तो ये दो तरीके से फंक्शन करता है। एक जो है ये फंक्शन करता है क्या कि ऑटो कैटालिटिक फंक्शन होता है इसका, ऑटो कैटालिटिक फंक्शन होता है, और दूसरा फंक्शन क्या करता है, ये हिटरोकैटालिटिक फंक्शन करता है, राइट। पहला ऑटो कैटालिटिक फंक्शन करता है, दूसरा हिटरोकैटालिटिक फंक्शन करता है। अब ऑटो कैटालिटिक फंक्शन क्या होता है? ऑटो मतलब खुद अपने आप को रिप्लिकेट करना और अपने जैसा ही बनाना, दैट इज द ऑटो कैटालिटिक, ठीक है। यानी कि जो डीएनए है, डीएनए क्या बनाता है? डीएनए बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन कहते हैं। ये बात आप लोग को पता होगी, है ना। तो डीएनए ही डीएनए को बनाएगा, यानी खुद को बना रहा है, मतलब खुद जैसा बना रहा है, दैट इज द रिप्लिकेशन। एक्चुअली दिस आर द ऑटो कैटालिटिक फंक्शन, दैट इज ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस, ठीक है। तो डीएनए जब डीएनए को ही बनाएगा तो ये एक फंक्शन है डीएनए का, जो क्या कहलाता है? ऑटो कैटालिटिक फंक्शन कहलाता है, या ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस कह सकते हैं। ये होता है जो वॉटसन एंड क्रिक नाम के हमारे साइंटिस्ट अंकल थे, जिनके बारे में हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े थे। सॉरी, वॉटर लिख दिया मैंने, तो रुक जाइए। बेचारा वॉटसन जो है ना, सपने में आके मेरे को मारेगा, नाम ही गलत लिख दिया मैंने। वॉटसन और क्रिक ने जो है क्या दिया था? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए दिया था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए दिया था, ठीक है। क्या दिया था? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए दिया। तो और इस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए को जो है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया करा गया था मिजेलसन एंड स्टेल्स नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। और इन्होंने, किसने किया था? मिजेलसन एंड किसने? स्टेल्स नाम के साइंटिस्ट ने किया था, और इन्होंने N15 का यूज करा था, ठीक है, फॉर द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए। तो ऑटो कैटालिटिक फंक्शन क्या होता है, या प्रोसेस क्या होता है कि डीएनए को बनाए, दैट इज द रिप्लिकेशन, एंड दिस आर द ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस। और जो है वॉटसन और क्रिक अंकल जो थे, वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए दिए थे। और ये जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए दिए थे, इसको जो है प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिजेलसन एंड स्टेल्स ने करा, किसकी हेल्प से? N15 की हेल्प से, कि कैसे एक्चुअली में जो डीएनए है वो रिप्लिकेट करके अपने जैसा जो है वापस से एक डीएनए तैयार कर लेता है, ये चीज़ें, ठीक है। ये हुआ ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। अब हम रिप्लिकेशन के को देखते हैं, जैसे कि हम लोग अगर देखेंगे तो एक मिनट, ठीक है। तो यदि हम देखेंगे तो इस तरीके से, ठीक है, ये डीएनए है रिप्लिकेट करा, यहां से ये डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, राइट। डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, जैसे एक दूर रस्सी होता है ना, जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं, एक मिनट रुकिए, मैं आपको ईयरफोन से समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। इसे आप जो है रस्सी मान लीजिए, एंड दिस आर लाइक दिस, ठीक है, मतलब इस तरीके से ये है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हमारा डीएनए भी कुछ इसी तरह से है, राइट। तो इस तरीके से अब हम इसको क्या करें?
करेंगे, अनवाइंडिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो है और भी डीएनए चाहिए, क्योंकि हमारा जो सेल है वो डिवाइड करता रहता है, तो डिवाइड करता रहता है तो जो रिप्लिकेशन होता रहता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे कि यहाँ से क्या करेगा, ये खुल गया, ये ओपन हो गया, राइट, यहाँ से ये ओपन हो गया। अब ये जो ओपन हुआ है, जो इस पे जो सीक्वेंस है नाइट्रोजन बेस का, उस अकॉर्डिंग फिर वापस से सीक्वेंस जुड़ता चला जाएगा। हाँ, कैसे जुड़ेगा ये हम लोग देखेंगे, बस हम आपको समझाने के लिए वायर का यूज़ करा है हमने, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है, मतलब ये इस तरीके से डीएनए बाइंड करा हुआ था और हमने यहाँ पे इसको ओपन करा दिया, मतलब हमने क्या, ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये इस तरीके से ओपन हो गया, एक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। तो अब ये जो फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, यहीं से एक्चुअल में जो डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस होता है, स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड बनता है, वो ऐसे ही बनता है। तो जो फोर्क बनाया है वो एक्चुअली में क्या है, पैरेंट स्ट्रैंड है। पैरेंट स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती है। तो यहाँ पे कौन कौन सा एंजाइम, चूंकि हम लोग रिप्लिकेशन डीप में नहीं पढ़ रहे हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन डीएनए अबाउट में पढ़ रहे हैं, और एक क्वेश्चन में जो है 40 मिनट से आप ज्यादा नहीं दे सकते हो, अगर इससे ज्यादा दोगे तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आपको चीज़ें लिखनी है। तो जो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करती चलूँगी। तो इसमें जो एंजाइम्स होंगे मेन, कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो पहला एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है दैट इज़ द न्यूक्लियस एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं बट मैं यहाँ कुछ एंजाइम्स की ही बात करूँगी, ठीक है। दूसरा इज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। एंड थर्ड इज अ लाइगेज एंजाइम। एक एक करके हम लोग डील करते हैं, राइट। तो ये हमने क्या किया, डीएनए को खोल दिया, क्या किया, हमारा मन हुआ डीएनए को खोल दिया। मान लीजिए हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम लोग डीएनए को खोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, डीएनए को खोला। तो डीएनए को जो है यहाँ पे अनवाइंडिंग किया गया, हेलिकेज नाम का एंजाइम होता है जो अनवाइंडिंग में हेल्प करता है। यहाँ पे जो है, यहाँ से जो है चीज़ें ओपन हो गई, और ओपन होने के बाद इस तरीके से टू स्ट्रैंड हो गया। ये है पैरेंटल स्ट्रैंड, क्या है, पैरेंटल स्ट्रैंड। इसी ये जो है एक्चुअली में टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करता है, किसकी तरह, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करता है, ठीक है। ये कैसा काम करता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करता है। एक अगर इसका हेलिक्स 5' सॉरी हेलिक्स बोलते हैं, एक स्ट्रैंड यदि 5-3' है तो दूसरा क्या होगा, 3-5', नो एनी डाउट्स है, राइट। अब जो इस तरीके से है, अब ये अनवाइंडिंग हो चुका है, खुल चुका है। अब क्या होगा कि ये 5-3' है, तो बनना किधर से स्टार्ट होता है, इधर से, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सीक्वेंसेस होंगे, आपको जो भी सीक्वेंसेस होंगे उस अकॉर्डिंग ये जो है न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाएगा और न्यूली सिंथेसाइज्ड जो है स्ट्रैंड को जोड़ता जाएगा। तो इस तरीके से इधर से नया स्ट्रैंड तैयार होता गया, ठीक है। क्या होता है, नया स्ट्रैंड तैयार हो गया। अब जो नया स्ट्रैंड तैयार हुआ, इधर 3' है तो ऑलरेडी इधर क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, 5-2, 3' हो जाएगा, नो एनी डाउट्स हियर, 5-2, 3' हो गया। तो यहाँ पे कोई गैप नहीं दिख रहा है, जो स्ट्रैंड बना है दैट्स व्हाई इट्स अ कंटीन्यूअस स्ट्रैंड। क्या कहेंगे इसको, कंटीन्यूअस स्ट्रैंड, क्या कहेंगे इसको, कंटीन्यूअस स्ट्रैंड कहेंगे। और इस वाले जो नए स्ट्रैंड जो बना है, कंटीन्यूअस स्ट्रैंड है, उसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, क्या कहेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा स्ट्रैंड पे हम चलते हैं, ठीक है। तो 3-5' है, तो अब यहाँ पे ये इधर से बनना स्टार्ट होता है और ये इस तरीके से बन बन करके कुछ गैप क्रिएट हो जाता है। व्हाई गैप इज क्रिएटेड, बिकॉज इन फॉर द रिप्लिकेशन प्रोसेस आरएनए प्राइमर इज रिक्वायर्ड। आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है, एंड आरएनए प्राइमर इज प्लेस्ड हियर, आरएनए प्राइमर यहाँ प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे टुकड़ों में न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है। तो टुकड़ों में जो मतलब टुकड़े मतलब एक डिवाइड मतलब इस तरह से गैप क्रिएट हो के जो न्यूक्लियस कहते हैं न्यूक्लियोटाइड का जो है वो एडिशन होता है, एंड यहाँ पे गैप रह जाता है। तो ये गैप बाद में पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से इसको रिमूव कर दिया जाता है,
एंड रिमूव करने के बाद फिर जिस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करा जाता है एंड द लाइगेज इज द ग्लू। जिस तरह से हम हमारा कोई चीज़ फट जाता है, कोई कॉपी फट जाता है, किताब फट जाता है, तो हम ग्लू को चिपकाने में हेल्प करते हैं। जस्ट सिमिलर लाइक है, यहाँ पे वही कंडीशन होता है कि यहाँ पे मान लीजिए डीएनए जो है वो ब्रेक, यहाँ पे गैप जो है उसको सील करने का काम करता है लाइगेज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन पे आते हैं, उसके बाद चलेंगे फिर वापस से इस वाले स्ट्रक्चर में। अब हम लोग आते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, न्यूक्लियस एंजाइम के बारे में। जो न्यूक्लियस एंजाइम है ना, वो क्या किस चीज में हेल्प करते हैं, एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे होता है। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ। इट्स हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करेगा। याद करने की कोशिश कीजिए, याद करने दिमाग पर जोर डालिए, याद करने की कोशिश कीजिए। ए डबल बॉन्ड टी के जैसे जुड़ रहा था, बेस पेयरिंग कर रहा था डबल बॉन्ड के द्वारा, जी जो है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा सी से बेस पेयरिंग कर रहा था। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो है। इसी कारण डीएनए स्टेबिलिटी, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। तो जब हमें इस तरह से तोड़ना होगा, मतलब क्या करना होगा, खोलना होगा, तो उसके स्टेबिलिटी को कमजोर करना पड़ेगा, तभी तो वो खुलेगा ना, है ना। तो अगर घर में किसी का झगड़ा लगाना होगा तो क्या करेंगे, घर में मतलब आग लगाना पड़ेगा ना झगड़ा करने के लिए। तो यहाँ पे भी मतलब घर में अगर 10 लोग रह रहे हैं और सब लोग आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, सब में स्टेबिलिटी है, आपस में बहुत प्यार है, तो सामने वाला पड़ोसी देख के क्या करता है, जलता है, और जलता है तो क्या करता है, आग लगाने की कोशिश करता है, स्टेबिलिटी को तोड़ने की कोशिश करता है, जो दोस्ती है, जो प्यार है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी न्यूक्लियस क्या करेगा, जब उसको अनवाइंडिंग करना होगा, मतलब जब नया डीएनए रिप्लिकेशन करना होगा, तो न्यूक्लियस जो है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करने का काम करेगा, ब्रेक करने का काम करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन के बॉन्ड को जो ब्रेक करता है, बाई इन द ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस इज पार्टिसिपेटेड नाउ। विच न्यूक्लियस, दो तरह के न्यूक्लियस होंगे, दैट इज द एक होगा एक्सो न्यूक्लियस, राइट, एक्सो न्यूक्लियस, एंड दूसरा होगा एंडो न्यूक्लियस। क्या होगा, एक्सो न्यूक्लियस एंड एंडो न्यूक्लियस, ध्यान से सुनिएगा। एक्सो मतलब बाहर की तरफ, फ्री डीएनए के फ्री एंड से जो कट करेगा, दैट इज द एक्सो न्यूक्लियस, मानते हैं ये डीएनए, इसके फ्री एंड से जो कट किया वो क्या हो गया, एक्सो न्यूक्लियस, यानी इधर से काटो या इधर से काटो, ये हो गया एक्सो न्यूक्लियस, क्लियर है। एंडो न्यूक्लियस क्या हो गया, विद इन द, यदि काटा जाए, यदि यहाँ से बीच वाले पोर्शन से कटिंग किया जाए, तो ये क्या हो गया, एंडो न्यूक्लियस, क्लियर है, बात समझ में आई, इस तरीके से हो गया एंडो न्यूक्लियस। इस तरीके से न्यूक्लियस एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया न्यूक्लियस एंजाइम के बारे में। अब आते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के। अब हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, नोट जितना अभी तक करा, रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, पीछे की चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, चलो चलिए यहीं से देखते हैं। तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो तीन तरह का होता है, कितने तरह का होता है, तीन तरह, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, इट हेल्प्स इन इट मूव फ्रॉम बोथ डायरेक्शन 5' to 3' एंड 3' to 5'। जो डीएनए पॉलीमरेज वन होता है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, 5' to 3', 3' to 5'। जैसे एक सुपरवाइजर होता है ना, नाम सुना होगा सुपरवाइजर का, तो सुपरवाइजर का काम क्या होता है कि अपने एरिया में जा करके सुपरविजन करना, यानी कि चेक करना कोई गड़बड़ी तो नहीं चल रही है, कहीं कोई घोटाला तो नहीं चल रहा। जैसे कि अभी गांव में देखोगे आप लोग, तो गांव में भी सुपरविजन का कार्य चल रहा है, जैसे कि गाय माल जाल का सुपरविजन का कार्य चलता है, बहुत सारे जो है
क्या बोलते हैं कि योजनाएं हैं वो चल रही हैं, उनका सुपरविजन होता है, तो सुपरवाइजर जो होते हैं वो उनका चेक करता है। तो जस्ट लाइक वैसा ही जो डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट होता है वो एक सुपरवाइजर की तरह काम करता है। डीएनए जो इसका स्ट्रैंड है दोनों डायरेक्शन में ये मूव करता है एंड सुपरविजन करता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, यदि दिक्कत है तो उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगा, ठीक है, प्रूफ रीडिंग करता है ये, ठीक है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये जो है जो प्राइमरी स्ट्रैंड होता है उसको कैच करके रखने में हेल्प करता है। एंड जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ठीक है, जो भी बोल रही हूँ आप ध्यान से सुनिएगा, इसको आप लिखेंगे योर नोट्स बिकम मतलब वेरी गुड, ठीक है। तो इतना ही करेंगे तो आप बहुत अच्छा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या काम करता है, तो ये जो है ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, क्या करता है, ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, ऐड करने का काम करता है, ठीक है, इस तरीके से ये ऐड करेगा, राइट। अब आते हैं लाइगेज के बारे में, तो लाइगेज क्या है, जोड़ने का काम करेगा, लाइगेज जोड़ने का काम, मतलब ये बहुत अच्छा दोस्त होता है, घर तोड़ने का काम नहीं करता, ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, टूटे हुए चीजों को जो जोड़ता है, इट इज दैट्स आर द बेस्ट, ठीक है। तो लाइगेज यहाँ पे क्या होता है, अच्छे दोस्त की तरह काम करता है, ये जोड़ने का काम करेगा, ये हेल्प करेगा जोड़ने में, ठीक है, जो गैप क्रिएट हुआ है उसको सील करने में काम करेगा, राइट। तो ये हमने फंक्शंस देख लिए, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले जब डीएनए का रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, उसके बाद अनवाइंडिंग होती है। ये जो इस तरह से फॉर्क हम देख रहे हैं, ये हमारा कर्सर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, रुकिए हम कर्सर लेके आते हैं, ये इस तरह से जो दिख रहा है आपको फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बनने के लिए क्या चाहिए, पहले हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, तभी तो दूर दूर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, एंड ये फिर दूर दूर जाते हैं, एंड देन इसके जो ये स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करता है, जो कि पैरेंटल स्ट्रैंड होता है, और ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनाते हैं। अब क्या हो गया कि जब इसने बनाया तो क्या देखने को मिला, देखिए कि एक डीएनए से दो डीएनए बनता हुआ नजर आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा, एक स्ट्रैंड इधर था एक स्ट्रैंड इधर था, ये नया स्ट्रैंड बनाया, ये वापस से नया स्ट्रैंड बनाया, तो एक डीएनए से दो डीएनए बन गया कि नहीं बन गया, बताइए, एक मिनट रुकिए, रुकिए रुकिए वेट कीजिए थोड़ा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉल आ गया था, बताइए, मेरे मामा का छेका हो रहा है और हम बैठ के आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हमें वीडियो कॉल किया गया था देखने के लिए, ठीक है, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जो है हम लोग कहाँ देख रहे थे, लाइगेज का फंक्शन देख रहे थे, राइट। तो लाइगेज का क्या फंक्शन होता है कि ये लाइगेज जो है वो जोड़ने का काम करता है, जो गैप वो क्रिएट होता है उसको सील करने का काम करता है। एक्चुअली में जो लाइगेज है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, राइट, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या करता है कि एक न्यूक्लियोटाइड को मतलब एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ऐड करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ स्पेस तो नहीं है, आप लोग नोट करो, इसलिए मैं थोड़ा कुछ छोड़ देती हूँ चीज़ें। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है कौन, लाइगेज, और ये क्या काम करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड में जोड़ने का काम करता है, कुछ इस तरीके से, एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, पांचवा न्यूक्लियोटाइड, छठा न्यूक्लियोटाइड, इस तरीके से क्या करने का काम करता है, ये न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड होता है वो ऐड करने का काम करता है, इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, राइट। उसके बाद आते हैं हम लोग, चलते हैं कि ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया कि कैसे जो है होता है रिप्लिकेशन होता है। तो ये एक लीडिंग स्ट्रैंड बन चुका है, दूसरा ये धीरे धीरे बन रहा है और बीच में गैप क्रिएट हो रहा है, तो आरएनए पॉलीमर यहाँ पे प्रेजेंट होने के कारण गैप क्रिएट हो रहा है। अब जब ये बन जाएगा, ये स्ट्रैंड पे बन जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा ही सही लेन जब बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक रहने के कारण इस पे इस वाले स्ट्रैंड को बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड, क्या बोलते हैं, डिसकंटीन्यूअस
डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है, या इसी को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, राइट। क्या बोलेंगे इसको? लैगिंग स्ट्रैंड, यानी लैग, बोलते हैं ना कि लैग कर रहा है, रुक रुक के काम कर रहा है, वही वह लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है, ये लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। अब लैगिंग हो गया, लैग क्रिएट हो चुका है, गैप क्रिएट हो चुका है, तब क्या होगा कि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ये आरएनए पॉलीमरेज आएगा, यहाँ से आरएनए पॉलीमर को हटा देगा और लाइगेज आकर के आरएनए प्राइमर को हटा देगा, और आरएनए प्राइमर को हटाने के बाद डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, ऐड करने के बाद ऐड करने के बाद क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, ठीक है। ऐड करने के बाद ये गैप जो है भरना शुरू हो जाएगा, उसके बाद लाइगेज एंजाइम आएगा, जहाँ जहाँ पे गैप क्रिएट हो, मतलब गैप बचा हुआ रहेगा, उसको सील करने का काम करेगा, और इस तरीके से ये फिर कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन जाएगा। तो इसके अपोजिट स्ट्रैंड बनेगा, तो क्या बनेगा, 3-2, यहाँ पे 3-5 है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3-5। क्लियर है? इस तरीके से रिप्लिकेशन का प्रोसेस पूरा आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब ये हम लोगों ने देखा रिप्लिकेशन के बारे में। यदि हम इसको और फॉर्म में देखना चाहें, यानी कि हम कंपोजिशन फॉर्म में देखना चाहें कि हाउ दे आर रिप्लिकेटेड, पूरा मतलब एक बैकबोन की को लेके हम देखें, तो कैसे देखेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए, ये है हमारा सुगर, ठीक है, हम छोटा छोटा यहाँ बनाते हैं कि इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सुगर, क्या है ये सुगर, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से फॉस्फेट होता है, ये यहाँ फॉस्फेट और इधर भी फॉस्फेट। पीछे वाला डायग्राम आप लोग को याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कूटेंगे, तब याद आ जाएगा। हम कूटने का भी काम करते हैं, नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। तो ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहता है, और इससे यहाँ नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ रहेगा। मान लीजिए ये ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ से सी है, और यहाँ सी है। तो ए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा टी के साथ, टी जुड़ेगा ए के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, सी जुड़ेगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जी के साथ, ठीक है, और जी जुड़ेगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड सी के साथ। ये है आपका, ठीक है, ये एक है, मान लीजिए 5-3, और ये दूसरा जो है वो क्या है, 3-5। अब हम इसको अलग करेंगे, मतलब रिप्लिकेशन होगा, तो ये बॉन्ड जो है, एक मिनट कलर चेंज करते हैं। जो ये बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये वाला जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये बॉन्ड क्या होगा, ये ब्रेक होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ब्रेक अभी देखे हम लोग न्यूक्लियस एंजाइम का फंक्शन, कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करने के बाद क्या होगा, अलग अलग होगा, सेपरेट होगा। चलिए अलग अलग भी कर लेते हैं, है ना। तो ये स्ट्रैंड हमने अलग कर लिया 5-3, और ये स्ट्रैंड हमने अलग कर लिया क्या 3-5। ये स्ट्रैंड हमने अलग किया, ये इस तरीके से हो गया, ध्यान दीजिए, ठीक है। राइट, इस तरीके से हो गया। यहाँ पे ए है सीक्वेंस, नाइट्रोजन बेस जी है, सी है जी, ठीक है, ये अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया। और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस क्या था, दैट इज टी, दैट इज ए, दैट इज सी, एंड दैट इज क्या था, सॉरी जी एंड सी, राइट। इस तरीके से चीजें चल रही थी। अब ये जो है सेपरेट हो चुका है स्ट्रैंड, क्लियर आपको विजन समझ आ रहा है।
सेपरेट हो चुका है, एंड सेपरेट होने के बाद अब ये क्या करेगा, अपने कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा तो कैसा बनाएगा, टी के साथ बाइंड करेगा और ये जो है यहाँ पे इस तरीके से इसके अपोजिट बनाएगा, ठीक है, इस तरीके से पेंटोस सुगर इन्वॉल्व होता है ना। ओ नो, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ अपने अकॉर्डिंग नाइट्रोजन बेस से ये क्या करेगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, क्या करेगा, जुड़ जाएगा। अब ये भी अपने अकॉर्डिंग जुड़ेगा, तो यानी कि ये ए के साथ जुड़ेगा और इस तरीके से होगा, ठीक है, फॉस्फेट फॉस्फेट एंड हियर, ठीक है, ये यहाँ पे किससे जुड़ेगा, टी से, थायमिन से, यहाँ पे सी, और एंड यहाँ पे किससे जुड़ेगा, जी से जुड़ेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बनाया कि नहीं बनाया, बताइए। अब ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाया तो ये क्या बनाया, 3-5-, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाया तो ये क्या बनाएगा, 5-3-, समझ आई बात। तो एक स्ट्रैंड से कितना यहाँ पे जो है कितने स्ट्रैंड अब को दिख रहा है, 4 स्ट्रैंड हो गए, 1 स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड, 3 स्ट्रैंड, 4 स्ट्रैंड, 4 स्ट्रैंड हो गए, कितने डीएनए, एक डीएनए से कितने डीएनए हो गए, कितने हो गए, 2 डीएनए, ठीक है। तो रिप्लीकेशन जो प्रोसेस है उसमें एक डीएनए से कितने हो गए, 2 डीएनए, क्लियर है। तो ये हमारा था ऑटोकैटेलाइसिस प्रोसेस, ऑटोकैटेलिस्ट प्रोसेस, राइट। तो ये पहला फंक्शन हम लोगों ने डील करा, देखा। अब नेक्स्ट आता है हेटरो कैटेलिस्ट फंक्शन, कैटेलिस्ट प्रोसेस फंक्शन। तो हेटरो कैटेलिस्ट में क्या होता है, यानी कि जो डीएनए होता है, डीएनए डीएनए बनाता है, ये तो समझ आ गया कि क्या होता है, रिप्लिकेशन प्रोसेस होता है। डीएनए से बनता है एमआरएनए, ठीक है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, किसकी हेल्प से, ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से। जब डीएनए एमआरएनए बनाता है ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से, यानी कि सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए, एमआरएनए का डीएनए, एमआरएनए का डीएनए से बनना, यही क्या कहलाता है, हेटरोकैटेलिस्ट, और इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये हेटरोकैटेलिस्ट कहलाता है। तो डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन क्या करता है, कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, कैरेक्टर को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। और ये प्रोटीन बनने से पहले क्या बनता है, अमीनो एसिड बनता है, क्या बनता है, अमीनो एसिड बनता है। तो ये अमीनो एसिड जो बनता है, इसके सीक्वेंस को कौन करता है, मतलब यदि बात करें कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की, राइट, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की यदि हम बात करें तो क्या देखने को मिलेगा कि इसका जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है वो कौन डिटरमाइन करता है, इट इज डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक कोड, डिटरमाइन बाय जेनेटिक कोड, राइट। तो डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन, प्रोटीन क्या बनाएगा, कैरेक्टर को डिटरमाइन करेगा। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने से पहले क्या बनता है, अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड के बाद पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है वो क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो इस तरीके से अमीनो एसिड का क्या नेचर, मतलब जैसा अमीनो एसिड का नेचर होगा वैसा प्रोटीन बनेगा, जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा कैरेक्टर डिटरमाइन होगा, राइट। तो जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा वो डिटरमाइन कौन करेगा, जेनेटिक कोड करेगा, UUU बनेगा, UGA बनेगा, UGC बनेगा, क्या बनेगा वो ये डिटरमाइन करेगा कौन, जेनेटिक कोड की अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, जैसा अमीनो एसिड का सीक्वेंस वैसा प्रोटीन, जैसा प्रोटीन वैसा कैरेक्टर डिटरमाइन होता है। तो दिस आर द ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द डीएनए, एंड हम लोगों ने टोटल ये इस क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या क्या डील किया, डीएनए के बारे में पढ़ा, डीएनए के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, डीएनए के जो है क्या पढ़ा, और हमने
बेस पेयरिंग रूल ऑफ चार ग्राफ पढ़ा, ओबिन बोबिन पोकिन के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक एविडेंसेस ऑफ डीएनए देखा, फिर हम लोगों ने वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए देखा, देन वी स्विच्ड ऑन द टॉपिक ऑफ द फंक्शन ऑफ डीएनए दैट इज द ऑटो कैटलिस्ट एंड द हेटरो कैटलिस्ट. दीज आर द ऑल अबाउट द डीएनए. ठीक है, दीज आर द लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आई थिंक आपको समझ आया हो. जहाँ आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझने में परेशानी हुई हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो रही हो समझने में, तो आप हमें बेहिचक कह सकते हैं. हम आपको कोशिश करेंगे आपके सॉल्यूशन को जल्द से जल्द प्रोवाइड करने में. थैंक यू. और आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. आज के लिए इतना ही. ठीक है, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टाटा, बाय बाय. ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द.